बिल्कुल कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी थी, वो इस वक्त सज गई है। यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है, देखने वाले और ख़रीदार भी वक्त ब वक्त आ रहे हैं। लेकिन ये अपनी मिसाल आप एक नया कैंप मुतारिक कराया है इस वक्त, बैंक्यूट ये कैंप है यहाँ पे जो मुतारिक कराया है। ये मैं आपको दिखाऊँ, इन पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ असाम के जानवर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस हैं, जिसमें बहुत सारे यॉक हैं, और बहुत जिसमें साहिवाल के जानवर होते हैं, सिंध के जानवर होते हैं, बाकायदा उनको जो है वो यहाँ पे लाया गया है। और ख़ास तौर पे अभी कुछ ही देर पहले जो है वो कैटलॉग कराई गई थी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन के साथ आए हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या सैर व तफरी करी, किस तरीके से वो रहे। बेटा क्या देखा, कैसा लग रहा है तुम्हें मंडी आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मंडी भी बहुत अच्छी है, गाय भी बहुत अच्छी है। गाय भी अच्छी है जी। तो पापा से क्या कहना है, क्या इसी तरह की लेनी है, हल्की फुल्की नहीं, इसी तरह की लेनी है? इसी तरह की लेनी। तो पापा अफोर्ड कर पाएंगे? पता नहीं, बाबा से पूछूंगा। अच्छा, इनके बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा से पूछते हैं कि इस बार जो है वो बीच महीने में ईद आ रही है और तगड़ा खर्चा है कुर्बानी का, तो इस हिसाब से जो है वो मैं इनसे बात करूँगा। सर, बच्चों की फरमाइश है कि इस दफ़ा तगड़ा जानवर लेना है, तो क्या ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद है, मगर यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो कोशिश है, देखते हैं, लेट से कुछ रेंज में आ गया तो इंशाल्लाह। बारिश के भी जो है वो इनकान है, और पिछली दफ़ा भी देखा गया था बारिश की वजह से मंडी जो है वो नीचे आ गई थी, इस बार भी कुछ ऐसा सोचा है वह कराची वालों ने या नहीं? हाँ, अभी तो टाइम काफ़ी है, तो आखिरी के हफ्ते में एक्चुअल इसकी प्राइस जो है ना फिर सही आती है। अभी तो डिमांड में इनकी ज़्यादा है, क्योंकि टाइम है, तो ये सोचते हैं कि शायद हमारा जानवर जो है ना अच्छे प्राइस में निकल जाए। इस चीज़ को आप देखें तो ये बहुत प्यारा जानवर है, और इस वक्त जो है यहाँ पर इनको खाना भी खिलाया जा रहा है, रात में इनको ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। इनको क्या ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, अब हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं और जो खड़े हुए लोग हैं जो इनको चलाते हैं, उनको जो है क्या ग़िज़ाएँ देते हैं, क्या स्पेशली ग़िज़ाएँ होती हैं जो ये मोटा ताज़ा दम हो जाते हैं? भाई क्या खिलाते हैं इनको? चारा खिलाते हैं इनको। चारा किस किस्म का चारा होता है? उसमें सेवैयाँ डालते हैं हम, और बादाम वगैरह, दूध पिलाते हैं इनको, और जैसा कि खजूर हो गई, ये चीज़ें इनको खिलाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक अनोखी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जो कि मवेशी मंडी के अंदर है। 40 से 45 मन का ये जानवर बताया जाता है, जिसकी नस्ल जो है वो सिब्बी है। इस कैटल पार्को कैटल फार्म है, यहाँ पे हमारे साथ इनके ऑनर खड़े हुए हैं इमरान साहब, इनसे हम बात करेंगे। 40 से 45 मन का ये जानवर है, इसकी कीमत भारी भरकम तो होगी, कितनी होगी ये इनसे हम जानते हैं। इमरान साहब, सबसे पहले इसका वज़न बताइएगा। इसका वज़न 45 से 50 मन ग्रॉस वेट है। 45 से 50 मन, ठीक है। तो इसकी कीमत आपने क्या मुकर्रर की है? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, तो आपको क्या लगता है कि ये कीमत कराची वाले अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे, हमने इससे पहले भी किया है, और इस कीमत में माल बिकता है। ये शौकिया लोग लेके जाते हैं या फिर वो जो कुर्बानी करने वाले लोग होते हैं? कुर्बानी करने वाले लेके जाते हैं, अब दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कुर्बानी के लिए तैयार किया है, और अब वो खरीदने वाले की नीयत है। क्या क्या खिलाते हैं भारी भरकम गिजाओं में, क्या क्या है इसकी? बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इसको जो भी खिलाया गया है वो देसी है। उसमें ज्वार है, उसमें गंदम है, उसमें चना है, मक्खन है, दूध है, घी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे बिजनेस सीक्रेट कहा जाता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि इनको भारी भरकम, जैसे कि जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं उस तरह में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो क्या इनको इंजेक्शन ऐसे कुछ दिए गए? नहीं, आपको जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके मसल्स देखकर अंदाज़ा हो जाता है, तो आप इसका पूरा कैमरे के ज़रिए देख लें, इसके अंदर कोई इसमें एक्स्ट्रा मसल्स आपको नज़र नहीं आएंगे जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, जो एडिटिव डाल के दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। कितना टाइम लगा इसको पालने में, इतना बड़ा करने में, और इस साल तैयार? 5 साल से 6 साल का अरसा लग गया हमें। 5.5 से 6 साल तक का अरसा आपको लग गया संभालते हुए। इसका क्या नाम रखा है आपने? इसको हमारा जो आदमी, इसको सिब्बी का बादशाह कहते हैं, और नए हवाले से इसको इमरान खान कहते हैं। तो ये 40 लाख में तब्दीली ला के दिखाएगा, जिसके घर में जाएगा तो वो कहेगा इन्होंने बड़ी खिदमत की है, ये इसके साथ हैं, बिल्कुल जिस घर में जाएगा उसमें बिल्कुल तब्दीली लेके आएगा। अजी बिल्कुल, बड़ी तादाद में कराची मवेशी मंडी में, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें फैमिलियों का आना और जाना लगा हुआ है। मेरे साथ भी एक फैमिली मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे ये कहाँ से आए और जो जानवर हैं वो ये ख़रीद पाएंगे या नहीं। इस बार जानवर बड़े महंगे हैं, 25 से 5 लाख रुपए तक की डिमांड है, अब इनका क्या है ये देखना है।
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں؟ ہم فیڈرل بی ایریا سے ہیں. فیڈرل بی ایریا سے. تو کیا آپ نے کیا دیکھا منڈی میں؟ کیسے کیسے جانور ہیں؟ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں؟ تو یہ آپ لیں گے یا صرف دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں، یہ ہم شوق میں دیکھنے آئے ہیں، اور بہت حسین اور خوبصورت جانور ہیں، تو ان کے ہم کیٹل فارم دیکھنے آئے ہیں یہاں پہ بچوں کے ساتھ. لیکن پہنچ سے بہت دور ہیں. بہت دور ہیں پہنچ سے؟ عام انسان کے پہنچ سے بہت دور ہیں. اجی بالکل، میں نے ابھی آپ کو جو بتایا تھا کہ بینکیوٹ ایک نیا قسم کا جو ہے حال متعارف کرایا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کو ایک نئی چیز متعارف کرانی تھی؟ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز صاحب، جن کا یہ کیمپ ہے، جنہوں نے یہ جانور دور اقسام سے منگائے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ایک نئی آئیڈیالوجی تھی، یہ کہاں سے ان کے پاس آئی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نے پوری ایشیا کی سب سے بڑی منڈی میں ایک نئی چیز متعارف کرائی ہے، بینکیوٹ. یہ ہمارا پورا ایک ٹیم ہے دوستوں کی، تو ہم یہی تھا کہ اس دفعہ آئیں تو نئے اسٹائل سے آئیں، تو آج تک کسی نے کیا نہ ہو. پورا ٹوٹل پیپر ورک کیا تھا، مگر اس پیپر ورک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پورا کروا دیا. یہ جو منڈی آپ نے لگائی ہے، بھاری اسکام کے یہاں پہ، بھاری اقسام کے یہاں پہ جانور ہیں، یہ کہاں کہاں سے منگوائے ہیں، اور ان کو ان کی غذا کے لیے کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ غذا تو ان کی اسپیشل ہوتی ہے، تو ایک تو غذا اسپیشل ہوتی ہے، دوسری کہ جانور کی نسل بھی دیکھی جاتی ہے. اگر نسل والا جانور تو وہی پلتا ہے، اور بغیر نسل کا جانور اس کو جو مرضی کھلا لو نہیں بنے گا. اس کے لیے ہم نے ایک مثال بنائی ہوئی ہے، اب بنگالی کو جتنا مرضی کھلا لو 3.5 فٹ سے اوپر قد نہیں نکالے گا، میاں والی کو آدھی روٹی کھلا 7 فٹ کا قد نکالتا ہے. آنر تھے، انہوں نے ہم سے بات کی کہ مہنگے تھے مہنگا ان کے پاس جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کا، اور سستے سستا جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں خریدار ان کو کتنا رسپانس دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ سمیر ترین، بقا نیوز، کراچی.